हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला बड़ी की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर के इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी बेसन और आधी कटोरी सूजी। सूजी आपको यहाँ पर बारीक वाली लेनी है। अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप इसे थोड़ी देर मिक्सर में चला लें, थोड़ा ग्राइंड कर लें इसे। अब सबसे पहले हम इस बेसन और इस सूजी को छान लेंगे। मैंने इसे 2 मिनट मिक्सर में चलाया था सूजी को। अगर आपके पास भी मोटी वाली सूजी है तो इस तरह से मिक्सर में एक बार इसे ज़रूर से चलाएँ, थोड़ा बारीक कर लें इसे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, ये 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा मैंने इसमें डाला है। एक बार हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम मसालों के साथ ये तैयार होती है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल और एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें और ऑयल ऐड करेंगे। हमें ऑयल का पता कैसे करना है, हम मिक्सर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से मुट्ठी में बांध के देखेंगे आटे को। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो इसका मतलब इसमें जो ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसमें ऑयल या घी मोयन के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब और ऑयल ऐड किया है। इस तरह से दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए आपको इसे मिक्स करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ऑयल जो है, हमारा मोयन जो है, इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए मैंने बेसन और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमारी मुट्ठी बन रही है, ये मतलब एकाएक बिखर नहीं रहा है। अब यहाँ पर मैंने लिया है गुड़ और इमली का पल्प, जिसको कि मैंने 1 घंटे भर पहले पानी में भिगो कर रखा हुआ था। हमें यहाँ पर गुड़ और इमली को 1 घंटे भर पहले ही पानी में भिगो कर रखना है ताकि हमें इमली का जो गाढ़ा पल्प है वो मिले, बहुत ही अच्छा सा पल्प निकल जाएगा अगर आप 1 घंटे भर पहले पानी में भिगो कर रखते हैं। अगर आप भूल गए हैं या फिर 1 घंटा भर आपके पास नहीं है तो आप गुड़ और इमली के अंदर गर्म पानी रखकर इसे 1/2 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा सा गाढ़ा पल्प मिलेगा। ये देखिए मैंने इस पल्प को अच्छे से छान लिया ताकि इमली और गुड़ के जो भी रेशेज हो, जो भी कचरा हो, वो निकल जाए। अब बेसन सूजी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके इस पल्प को डालेंगे। एक साथ हमें कभी भी कोई भी चीज़ नहीं डालनी होती है, थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो एकाएक ख़राब ना हो और हमें क्वांटिटी का भी पता चल जाए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर गुड़ और इमली का पल्प ऐड करती जा रही हूँ। ये देखिए मैंने सारा गुड़ और इमली का पल्प इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन अभी भी बेसन और सूजी काफ़ी ड्राई है। हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसका एक अच्छा सा डो रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल दिया है और इसका इस तरह से एक डो रेडी करना है अच्छा सा। और ध्यान रहे कि ये डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसन को जब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तभी और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसीलिए एक मीडियम साइज़ का डो ही आप रेडी करें। और अब मैंने ली है इस तरह की एक चकली की मशीन, जिससे हम लोग चकली बनाते हैं। मेरे पास ये स्टील की है। अब इसमें बहुत तरह के सांचे आते हैं, हमें जो भी चीज़ बनानी होती है बस वो सांचा हमें इसके अंदर फिट करना होता है। ये देखिए इसके अंदर इस तरह से 10 से 12 सांचे आते हैं। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं मसाला वड़ी, इसलिए हम यहाँ पर मसाला वड़ी का जो सांचा है वो लगाएंगे। ये देखिए ये रहा मसाला वड़ी का सांचा, कुछ इस तरीके छेद होते हैं उसके अंदर। अब हमें सबसे पहले इस मशीन को ब्रश की हेल्प से इस तरह से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा डो जो है बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से इसके अंदर से निकल जाए। और इस तरह से इस सांचे को या फिर इस प्लेट को इसके अंदर इस तरह से लगाना है, ऊपरी भी साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए। ये देखिए किसी भी साइड आप आगे पीछे दोनों तरफ किसी भी साइड इस तरह से इसे लगा सकते हैं। इसे भी आप अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये डो। आप देख सकते हैं हमारा डो जो है पहले से हार्ड हो गया है, थोड़ी सी लेयर सी आ गई इसके ऊपर, तो थोड़ा सा हाथ से हम इस तरह से अच्छे से इसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे।
ये देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आपको डो को स्मूथ कर लेना है। और ये डो जो है पहले से और भी टाइट हो गया है, इसलिए आप पहले से इसे बहुत ज़्यादा टाइट न रखें। ये देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल गोल गोल करते हुए इसके अंदर आप अच्छे से फिक्स कर दें इसे, और थोड़ा सा प्रेस भी कर दें। और इसमें चकली मशीन में इस तरह सा एक बटन होता है, जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे, ये जो स्टील की आपको रॉड दिख रही है इससे इसको आप ऊपर नीचे कर पाएंगे। जब आप इसे इसके अंदर डो डालते हैं तब आपको इस रॉड को ऊपर करना होता है, और उसके बाद इस तरह से इसे अच्छे से फिक्स कर लेना होता है। इसे बहुत ही अच्छे से फिक्स करें आप, क्योंकि जब आप इसे ऑयल में डालेंगे तब हो सकता है जैसे आप इसे प्रेस करें हैंडल को, आपकी चकली मशीन जो है ऑयल के अंदर खुल जाए, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें। जैसे आप इसे फिक्स कर लेंगे आप देखेंगे कि रोड जो है अभी ऊपर है, और मैंने यहाँ पर एक तरफ तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। आपका तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, और जिस टाइम पर आप मसाला बड़ी इसके अंदर डालते हैं तब आप गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दें, और जैसे आप इस हैंडल को प्रेस करेंगे आपकी वड़ी जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। एक हाथ से आपको मशीन को पकड़ना है और एक हाथ से आपको हैंडल को प्रेस करते जाना है, और जैसे जैसे आप हैंडल को प्रेस करते जाएंगे आपकी स्टील की जो रॉड है वो नीचे होती जाएगी, लास्ट में आपकी रॉड जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी। इसका मतलब ये है आपका डो जो है इसके अंदर ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पर मैंने गैस का फ्लेम लो किया हुआ है, और आपको जितनी बड़ी या छोटी मसाला वड़ी बनानी है उतनी आप बड़ी छोटी रख सकते हैं। मैं इस तरह से नाइफ की हेल्प से इसे कट करती भी जा रही हूँ, जितनी लंबी या छोटी आपको रखनी है उस हिसाब से आप भी नाइफ की हेल्प से चाकू की हेल्प से इस तरह से बीच में इसे कट करते जाएं। जैसे आपका डो इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा आप देखेंगे कि आपकी जो स्टील की रॉड है वो इस तरह से बिल्कुल नीचे हो जाएगी। ये देखिए आपकी रॉड इस तरह से नीचे हो गई है, ये इसकी पहचान है कि इसके अंदर डो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपको बार बार इसे खोलकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप इसके अंदर सारी मसाला वड़ी डाल दें उस टाइम पर आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दें, हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी ना पकाएं वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अब आपको इसे पकाना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से हिलाते हुए जब तक इसका गोल्डन सा सुनहरा कलर ना हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा सा सुनहरा सा गोल्डन कलर इसके अंदर आ गया है। अब हम इसे फटाफट से ओलचे निकाल लेंगे, और सेकंड पेज की मसाला वड़ी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए आपकी मसाला वड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपको अंदर से इस तरह से तोड़कर भी बताती हूँ। ये काफ़ी क्रिस्पी, खट्टी, मीठी, तीखी मसाला वड़ी बनकर हमारी तैयार होती है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।